ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे में अपना भरोसा कह सकी थे। हमारे उत्पाद हाँ ACC ईंट, ग्रीन पेवर्स, ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वाल, लाल ईटन से सस्ता, चार गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास। पता है उड़गड़ी बरगवा सिंगरौली। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर ये बता दें कि चुनाव के दौरान आदिवासी महिला से छेड़छाड़ करे के मामला सामने आवा है। बता दें कि CHO से सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा बता दें कि छेड़छाड़ के आरोप लगावा गया है, जिनके द्वारा बीमारी के बहाना बनाए के CHO का अपने पास बुलावा गया रहा। तो मध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल वहाँ पूजा अपना पंचे सभाजन इनका प्रणाम कही थे, शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिला के बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नवासी के आकाश कोट इलाका में सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में SDO PIQ पंकज गुप्ता का नियुक्त किया गया रहा। उनके सेक्टर में 5 पोलिंग बूथ पठारी कला, धवाईझर, माली और तुम्मादर शामिल रहे। इस क्षेत्र में ग्राम बड़वार में पदस्थ 25 वर्षीय आदिवासी महिला CHO निवासी थाना मानपुर क्षेत्र के ड्यूटी मेडिकल सुविधा खाते लगाई गई है। दौरान पंकज गुप्ता के द्वारा बीमारी के बहाना बनाए के महिला CHO को बुलावा गया और छेड़खानी की गई। घटना की शिकायत सेक्टर मजिस्ट्रेट के खिलाफ की गई है, जहां मामला दर्ज करके तलाश शुरू की गई। जानकारी के मुताबिक 17 नवंबर का मतदान के दौरान दिन में लगभग 2:30 बजे पोलिंग बूथ तुम्मा दर्ज में सेक्टर मजिस्ट्रेट पंकज गुप्ता के द्वारा NM का फोन करके बुलावा गया, जहाँ उनका बतावा गया कि तबीयत खराब लागल है और उनका दवा CHO पोलिंग बूथ क्रमांक 160 पठारी कला में रही। इस दौरान फोन आते तत्काल तुम्मादर पहुंची, जहां पोलिंग बूथ के बगल वाले कमरा में सेक्टर मजिस्ट्रेट पंकज गुप्ता लेटे रहे। उनके द्वारा कहा गया कि मोबाइल में दवाई सर्च करी नहीं, जेका देखे का है। सेक्टर मजिस्ट्रेट कितना कहे पर जैसे मोबाइल देखे खातिर महिला झुकी, तो SDO पंकज गुप्ता सेक्टर मजिस्ट्रेट का बुरी नीयत से उनका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच ली, जिसके कारण महिला असहज हो गई। पूरे मामले में महिला के द्वारा अपने साथी CHO संजीव उइके को जानकारी दी गई, जिसके बाद संजीव के द्वारा तत्काल CMHO डॉक्टर RK मेहरा का खबर दी गई। खबर मिलते ही CMHO तुम्मादार पहुंचे और CHO को अपने गाड़ी से उमरिया ले गए। हाँ, TI कोतवाली राजेंद्र चंद्र मिश्रा के द्वारा बताया गया कि पीड़ित महिला के द्वारा सलगी जानकारी दी गई है, जिसके बाद कोतवाली थाना में अपराध क्रमांक 647 धारा 354 IPC और SC एक्ट 3(2) के तहत मामला दर्ज करके आरोपी के तलाश के जाला है। सजग रहे, सतर्क रहे, रखिए आप और अपने परिवार की बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।